है कि हम अपनी कंट्री में क्या चीजें लागू करें क्या चीजें नहीं। आप कौन होते हो आर्टिकल पे बात करने वाले? पाकिस्तान नहीं बोलेगा कश्मीर के लिए तो कौन बोलेगा? देखिए पाकिस्तान नहीं बोलेगा, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मैं बार बार कह चुकी हूं। तो इंडिया ही कश्मीर के मसले देख सकता है, इंडिया को ही, इंडियन गवर्नमेंट को भी हक है। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, हम देशवासी है इस देश के, हम नागरिक है भारत के। तो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार है, उनको पूरा हक है कि वो हमारे हक में बात करे, वो हमारे हमारी जितनी भी आवाम के मसाइल है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट देखे। प्रीवियस टाइम्स की बात करूंगी तो आर्टिकल 370 के बाद जो डेवलपमेंट हुए, मुझे नहीं लगता है कि कोई कश्मीरी चाहता है कि आर्टिकल वापस आना चाहिए, बिकॉज हम बहुत खुश है डेवलपमेंट से, हम आर्टिकल के टूटने से बहुत खुश है, बिकॉज हमारे राइट्स फुलफिल किए गए, हमारे राइट्स को दबाया नहीं गया, हमारे राइट्स पे भरपूर काम किया गया। तो पाकिस्तान तो वैसे सुधरने वाला कभी है नहीं, क्योंकि यूथ को देख रहे हैं आजकल के, कश्मीर के बच्चे जिस प्रकार से आगे आ रहे हैं, कश्मीर के बच्चे जिस प्रकार से अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा लग ही गया होगा, पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा लग ही गया होगा कि किस प्रकार से जो है कश्मीर इंडिया के साथ खुश है। इस बात में सच्चाई है कि पीओके जो है वो हमारी रियासत का एक टूट अंग है, हम उसको लेकर ही रहेंगे, बाकी जंग लड़ने का, लड़वाने का, ये तो हमारा मोटिव, हमारी एक कंट्री, एक पीसफुल कंट्री रह चुकी है, लेकिन हम जवाब देना भी जानते हैं। अगर आप एक अपडेट आई है कि कुछ रोज पहले पीएम मोदी जी ने पीस टॉक के लिए एक बात कही थी कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि कोई टेबल टॉक हो तो उसके लिए पाकिस्तान को पहले एक्ट करना होगा अगेंस्ट टेरर। टेरर के अगेंस्ट कोई पाकिस्तान को सीरियस एक्शन लेना होगा तभी कोई टॉक हो सकती है, और टॉक और टेरर दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने अब जवाब दिया है और जवाब में ये कहा है कि हम इस बात का जो है, बिल्कुल सही आपकी बात है, हम टेरर के अगेंस्ट एक्ट करेंगे, बट तब जब आप लोग कश्मीर के अंदर होने वाला जो 370 आर्टिकल था वो हटाया गया था उसको दोबारा वापस लेके आओगे, क्योंकि 2012 के बाद हिंदुस्तान के अंदर कभी भी पाकिस्तान की किसी भी चीज को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, पाकिस्तान को हमेशा बुरा ही किया गया। तो मुझे बताएं किस तरह देख रही हैं आप इस सारी चिट चैट को नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के दरमियान जो है। देखिए सबसे पहले जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात उठाई है, बिल्कुल दहशत की बात उठाई है, दहशत पे पाकिस्तान का ही ये वैसे रहा था कि हम इंडिया के साथ रिलेशंस, आपको मैं पहली बात ये बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान के ही ये यही बातें थी, आपके ब्यूरोक्रेट्स की ये बातें थी कि हम इंडिया के साथ जो है अपने रिलेशंस बेहतर करना चाहते हैं, कश्मीर उनका मुद्दा है, कश्मीर उनका कुछ चर्चाशाही हो रही थी कि आपके ब्यूरोक्रेट जो है आजकल बोल रहे हैं, चाहे किसी भी आपके मिनिस्टर की बात करें तो आजकल ये वो दावा कर रहे हैं कि कश्मीर जो है बिल्कुल उन्हीं का है, हमें कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो आज की कश्मीर की यूथ को देख रहे हैं, आजकल के कश्मीर के बच्चे जिस प्रकार से आगे आ रहे हैं, कश्मीर के बच्चे जिस प्रकार से अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा लग ही गया होगा, पाकिस्तानियों के मुंह पे तमाचा लग ही गया होगा कि किस प्रकार जो है कश्मीर इंडिया के साथ खुश है। तो पाकिस्तान की तरफ से ही ये बात उठी थी कि हमें इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर करने हैं, तो तब जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जवाब दिया है। ये जवाब एससीओ मीटिंग में भी दिया गया जबकि बुलावल भुट्टो आया था, तो तब भी डॉक्टर जयशंकर ने किस प्रकार से जवाब दिया था कि दहशत वाले मुल्कों को दहशतगर्दी बंद कर देनी चाहिए, जो सीमाओं पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं उसका बाजाब्ता जवाब दिया जाएगा। तो वही बात प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर से छेड़ी है कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ वाकई में ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो वो अपने जितने भी उनके गलत इरादे हैं, जितने भी दहशतगर्दी के इरादे हैं, जो वो दहशतगर्दी के सिक्के चलाते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, चाहे कश्मीर पर या फिर सीमाओं पर, वो बंद कर दिए जाए। तो ऑन द अदर हैंड आपके पाकिस्तानी गवर्नमेंट फिर से डिप्लोमेसी, फिर से प्रोपेगेंडे चला रही है, वो उसी आर्टिकल के नाम पे, जो एक आर्टिकल 370 हमें पता है हमारे भाई। ये पहली बात, अगर आप लोगों को
रिलेशंस ठीक करने हैं, आप ही लोग आके क्लेम करते हो कि हमें रिलेशंस ठीक करने हैं, और ऑन द अदर हैंड आप ही लोग बोल रहे हो कि आर्टिकल को वापस लाओ। भाई ये हमारा मसला है, इट्स द मैटर ऑफ अवर ओन कंट्री, हमारी गवर्नमेंट को हक है कि हम अपनी कंट्री में क्या चीजें लागू करें क्या चीजें नहीं। आप कौन होते हो आर्टिकल पे फाइटर, बात करने फाइटर इन वाले? पाकिस्तान नहीं बोलेगा कश्मीर के लिए तो कौन बोलेगा? देखिए पाकिस्तान नहीं बोलेगा, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मैं बार बार कह चुकी हूं, तो इंडिया ही कश्मीर के मसले देख सकता है, इंडिया को ही, इंडियन गवर्नमेंट को भी हक है। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, हम देशवासी है इस देश के, हम नागरिक है भारत के, तो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार है, उनको पूरा हक है कि वो हमारे हक में बात करे, वो हमारे हमारी जितनी भी आवाम के मसाइल है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट देखे, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसमें कोई मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बेहतर सोच भी रही है, सोचती आ रही है, और हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं उन पे भरपूर काम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को शायद अपने मसले मसाइल, अपने जितने भी वहां पे मसले मसाइल चल रहे हैं वहां पे फोकस करना चाहिए, और दहशतगर्दी को जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, मेरे ख्याल से उनको पहले टेररिज्म पे फोकस करना चाहिए, दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए, और अपने जो मुल्क के हालात है वो सुधारने चाहिए। फाइका, जो 370 आर्टिकल हटाने के अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा गया है और अभी भी बजट खड़ा है कि उसको दोबारा वापस हो जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? वो कश्मीर के लिए बेनिफिशियल था, वो स्टेप नहीं था, आज वो दोबारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए कश्मीर के लिए वो बेनिफिशियल था, बिकॉज कश्मीरी लोगों को जिस प्रकार से राइट्स मिले, जब यूनियन टेरिटरी बनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस प्रकार से कंट्रोल आया यूनियन टेरिटरी पे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी 2019 में आर्टिकल की एब्रोगेशन हुई थी, तो आपने भी देखा कि पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई, कश्मीर में किस प्रकार से, चाहे नेशनल हाईवेज की बात करें, रोड्स की बात करें, सिटी की बात करें, या फिर टूरिज्म की बात करें, या फिर हेल्थ सेक्टर्स की बात करें, या फिर एजुकेशन की बात करें, किस प्रकार से बेहतरी आई पूरी दुनिया जानती है। तो आई थिंक ये जम्मू कश्मीर के लोगों को फलाह व बहबूद के लिए हुआ, ये उनके राइट्स को, ये आर्टिकल जो है, इससे पहले का सिनेरियो भी आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स जो है दबे हुए थे, वो मतलब प्रॉपरली अपनी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाते थे, लेकिन आज सेंट्रल लेवल पे कश्मीरी की आवाज सुनी जाती है, आज उस उनके मसले मसाइल पे काम किया जाता है, जो भी रंजो गम होते हैं कश्मीरी आवाम के, जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो अपनी सरकार को बाजाब्ता बोलती है, वो प्राइम मिनिस्टर तक वो बात बाजाब्ता पहुंचती है और उस पे अमलो कार्रवाई की जाती है। तो मेरे ख्याल से एज ए कश्मीरी, जिस प्रकार से मैं ग्राउंड लेवल पे भी देख रही हूँ, बाकी कश्मीरियों को भी देख रही हूँ, आपने मेरे बहुत सारे, इवन मैं ग्राउंड लेवल पे भी काम करती हूँ अपनी चैनल पे, शायद बहुत सारे दर्शकों ने मेरे चैनल को भी विजिट किया है, आप लोग जाइए फायका जावेद के नाम से, मैं ग्राउंड रियलिटी पे काम करती हूँ, जिस प्रकार से मैं लोगों से रिएक्शंस लेती हूँ कि आर्टिकल के बाद कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, लड़कियों के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए, एजुकेशन पे किस प्रकार से मेहनत की गई, डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई, तो काबिल जिक्र है और ये लाजमी स्टेप था। फाइका, आपने डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट के लिए तो इस वक्त G20 का आखिरी दिन जो है हुआ है, और आखिरी दिन के अंदर किस तरह से इंडिया ने रिप्रेजेंट किया कश्मीर को, पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है। अदर देन दैट, जी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, अगर टूरिज्म की बात की जाए, इन तमाम चीजों के हवाले से आप कश्मीरी होने के नाते किस तरह देख रही हैं? देखिए कश्मीरी होने के नाते सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक देशवासी की नजर से देखती हूँ, बिकॉज आई एम एन इंडियन फर्स्ट। हमें पहले अपनी मातृभूमि पे, जिसे हम बोलते हैं, हमें अपने पूरे भारत पे गर्व है, और हम चाहे जितने भी स्टेट्स में रहे, जितने भी यूनियन टेरिटरीज में रहे, लेकिन एक भारतवासी हमेशा एक भारतवासी होता है, उसके माथे पे एक मोहरा होता है, इंडियन का मोहरा, और तब जाके हमारी भारत का एक पार्ट जिसको कश्मीर
के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पे G20 डेलीगेट्स आए, टूरिज्म पे बात हुई, उन्होंने आज जो है आज तीसरा दिन था G20 डेलीगेशंस का, एंड आई वाज कवरिंग दैट स्टोरी, जिस प्रकार से वो यहाँ पे आए, जिस प्रकार से उनको कश्मीरी कल्चर के तौर पे जो है उनको वेलकम किया गया, और उसके बाद उन्होंने पोलो व्यू मार्केट जो है यहाँ पे कहा जाता है कि 90s में जो है फॉरेन टूरिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो एक हब हुआ करता था, लेकिन आप भी जानते हो ना मसाइल हालात की वजह से जो है कश्मीर में टूरिज्म ठप हुआ करता था, लेकिन हमारी सरकार जिस प्रकार से काम करती आ रही है, और आज जो बड़ा इजलास था G20 का, G20 डेलीगेट्स वहां शॉपिंग के लिए गए, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मीडिया ने वहां पे कवरेज दी, तो वर्ल्ड वाइड वो मार्केट फेमस हो गया, वर्ल्ड वाइड ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस कश्मीर की जितनी हिडन ब्यूटी थी वो एक्सप्लोर हो गई, वो प्रमोट हो गई, और एक अच्छी मैसेज G20 के डेलीगेट 17 कंट्रीज में अपने वो आलमी सतह पे जो है मैसेज क्या लेके जाएंगे, तो ये एक अच्छा बूस्ट होगा कश्मीर के टूरिज्म में, कश्मीर के टूरिज्म में बहुत ही बेहतरी आएगी, ना सिर्फ टूरिज्म में बल्कि डेवलपमेंट के हर सेक्टर में यहाँ पे रिसर्च लैब्स खोली जाएंगी, कश्मीरी सिर्फ कश्मीर अपनी ब्यूटी की वजह से ही नहीं जाना जाएगा, आने वाले समय में कश्मीरी यूथ में बहुत ज्यादा टैलेंट है, कश्मीरी युवा जिस प्रकार से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है अपनी कंट्री को, अपने कश्मीर को, वाकई में काबिल जिक्र है। तो और हमारे युवा के लिए जितने रिसर्च सेंटर्स यहाँ पे, साइंटिफिक लैब्स यहाँ पे, मैथमेटिशियंस बनेंगे, कश्मीरी कैन बी ए मैथमेटिशियन इन फ्यूचर, वो फिजिस्ट बन सकता है, वो एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, यहाँ पे लोगों में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट। G20 नो डाउट एक बहुत बड़ा समिट था, बहुत इसको धूमधाम से मनाया गया, बट आपके एक जर्नलिस्ट ने इंडिया से मुझे ये कहा कि शायद G20 को इतनी हाइप ना मिलती, मगर पाकिस्तान ने प्रोपोगंडा बना के इसको बहुत ज्यादा हाइप दे दी कि आज इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, क्योंकि 500 और समिट्स भी हुए और डिफरेंट मीटिंग्स भी हुई, लेकिन उनको इस तरह से नहीं उछाला गया जिस तरह से कश्मीर में होने वाली इस चीज को उछाला गया, क्योंकि पाकिस्तान ऑन अनदर एंड साइड अगेंस्ट खड़ा हुआ था। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, G20 की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान क्या सुनता है, तो ग्लोबली उस चीज को जो है उछाला जाए, ग्लोबली इस चीज को, डिफरेंट इंसानों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, एज पर माय ओपिनियन इज कंसर्न, मैं ये मानती हूँ कि G20 एक वर्ल्ड में ही एक सबसे पहले एक बड़ा इजलास था, और इंडिया जिस प्रकार से इंडिया के पिछले हालात थे, या फिर इंडिया ने किस प्रकार से डेवलपमेंट्स में इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान किस प्रकार से, वैसे तो कंपैरिजन है नहीं कोई, क्योंकि डेवलपमेंट के हवाले से या फिर किसी भी सेक्टर के हवाले से हमने बहुत बेहतरी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाई है, तो जाहिर सी बात है जब G20 यहाँ पे आएंगे तो ये एक खुद में ही एक इतिहास रच रहा था, इंडिया भी कश्मीर भी, बिकॉज कश्मीर में पहली बार ऐसा सब कुछ होने वाला था, तो इंटरनेशनल मीडिया जाहिर सी बात है ग्लोबल सतह पे जब कोई समिट होता है तो वो इस चीज को प्रमोट करती है, वो इस चीज को कवरेज देती है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के उछालने, पाकिस्तान के बोलने, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे से इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मी एज ए कश्मीरी ये सोचती है, मी एज एन इंडियन ये सोचती है कि G20 खुद में ही ये कहते हैं प्रकार से जो है इसका जो इंटरनेशनल सतह पे या ग्लोबल सतह पे आगे जाना लाजमी था। I got it. अच्छा फाइका, अगर बात की जाए फ्यूचर में, तो डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान के अंदर से टेरर खत्म हो जाए इस शर्त पे जो है ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया के अंदर 370 आर्टिकल दोबारा आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जी टेरर से इस वक्त पाकिस्तान को टेरर कंट्री पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर चुकी है, पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी है, मानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, और पीएम मोदी ने भी यही शर्त रखी है कि अगर टेबल टॉक होगी तो इस शर्त पे होगी कि पाकिस्तान अपने अंदर देखिए, से आर्टिकल आर्टिकल तो कभी वापस आ नहीं सकता है, ये पाकिस्तानियों का या के ब्यूरोक्रेट्स का शायद ये एक ख्वाब हो सकता है, शायद ये एक ड्रीम हो सकता है, बिकॉज वी कश्मीरीज आर रियली हैप्पी व्हाट इट इज हैपनिंग इन कश्मीर, व्हाट इट जो जो भी कश्मीर में हुआ,
मैं प्रीवियस टाइम्स की बात करूंगी तो आर्टिकल 370 के बाद जो डेवलपमेंट हुए, मुझे नहीं लगता है कि कोई कश्मीरी चाहता है कि आर्टिकल वापस आना चाहिए, बिकॉज हम बहुत खुश है डेवलपमेंट से, हम आर्टिकल के टूटने से बहुत खुश है, बिकॉज हमारे राइट्स फुलफिल किए गए, हमारे राइट्स को दबाया नहीं गया, हमारे राइट्स पे भरपूर काम किया गया। तो पाकिस्तान तो वैसे सुधरने वाला कभी है नहीं, क्योंकि कहते हैं में भी उंगली को सीधा करने की कोशिश की जाए तो कहते हैं ना वो होगी, फाइका, करने की रिपीट कोशिश करिए करे आपने, पाकिस्तान। रिपीट करिएगा, 1 मिनट आपकी आवाज कट रही है, रिपीट करिएगा। देखिए, मैं चाह रही थी कि पाकिस्तान को जितना भी समझाया जाए, पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई भी तरह भी समझ वाले नहीं है, तो टेररिज्म को बढ़ावा देंगे ही देंगे। वैसे मेरी फिर भी एक गुजारिश है आपके ब्यूरोक्रेट से, फिर भी एक एडवाइस मैं आपके ब्यूरोक्रेट्स को करना चाहूंगी कि आप चाहे जितना भी दहशत का सिक्का आजमा ले, अब हम पे कोई भारी नहीं पड़ने वाला है, अब हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज हम कश्मीरी जान चुके हैं कि हम किस कंट्री के हैं, हमें अपनी नेशनलिटी समझ आ चुकी है, हमें सब We are really happy what it is happening in Kashmir or India, and we are really happy with our country, with our India. आजाद कश्मीर की, तो मुझे इंडिया की जानिब से बहुत सारे जर्नलिस्ट को बहुत से इंटरव्यूज में मैंने ये कहते सुना कि आजाद कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे। जब से जयशंकर जी की स्टेटमेंट आई थी कि आजाद कश्मीर, मतलब अकॉर्डिंग टू यू गाइस पीओके, हम लेकर रहेंगे, तो उसके बाद बहुत से जर्नलिस्ट भी इस चीज पे बजे हो गए कि अनकरीब हम लोग जो है आजाद कश्मीर लेके रहेंगे। और कल ही मैं एक इंटरव्यू करी थी जिसमें एक आपके ही एक जर्नलिस्ट ने दावा किया, वादा किया मुझसे कि 2023 के खत्म होने से पहले आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हम लोग लेकर रहेंगे आजाद कश्मीर। मुझे बताएं, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ होना चाहिए, या आप लोग लेना चाहते हैं, या वो लोग देखिए, जाना चाहते बिल्कुल हैं? जिस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको हम पीओके बोलते हैं, हमारा एक अटूट अंग, हमारी एक रियासत का अटूट अंग हमसे छीना गया था, उस पे ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, जबकि यहाँ पे बाजाबता इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, लेकिन वो जो कश्मीर था वहां पे ट्राइबल इन्वेजन हुआ था पाकिस्तानियों की तरफ से, तो जाहिर सी बात है वो हमारा पाकिस्तान, वो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, और जाहिर सी बात है वहां के लोग भी समझ चुके हैं धीरे धीरे, वहां के लोग भी, आप भी देख रहे होंगे पाकिस्तानी, आपको भी, आप एक पाकिस्तानी है तो आपको भी पता है कि वहां पे किस पीएम मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम वो तो लेकर ही रहेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी ना कभी तो हम वो लेकर ही रहेंगे, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ फाइका, आवर। आपको क्या लगता है, फाइका आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान जो है एक तरफ तो लद्दाख की जंग लड़ रहा है, एक तरफ आजाद कश्मीर की जंग लड़ रहा है, आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को इन चीजों को छोड़ के अपनी और ज्यादा तरक्की पे फोकस करना चाहिए, ताकि देखिए आने सबसे वाले पहले, वक्तों में, वो आने वाले देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि डेवलपमेंट की जरूरत शायद आपकी कंट्री, प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि कंट्री की